नंबर बहुत राही कराओ तो जब गई थी जो मकान पर से खराब वसीयतनामा लिखा ली है, लिख के भेजे जिलाधिकारी के ऊपर वसीयतनामा तो लिखा हुआ है, पूछो उसे पहले आयु डिपार्टमेंट से महिला थाना अब यही रात बात करने वाले हैं। चलिए आप आपके पैरों से नींबू दब गया, काम हो जाएगा। क्या नाम है? रामचंद मौर्य। काहे लिए आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? साहब ये स्टे भी लगा है और ये मास्टर प्लान से भी रोका गया है। ये जबरदस्ती जो है मकान जो है बिना बंटवारे के बना रही है। ये भरत लाल राही नेता बनवा रहे हैं जबरदस्ती। हाँ, किस पार्टी के नेता? भाजपा के। तो आप भाजपा नेता से आप लोग पीड़ित होकर के यहाँ पर धरने बैठे हैं? जी। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों का मांग है कि हमारा जो है आधा बंटवा करके अपना बनावे, हम हमारा हिस्सा दे दे। नहीं देते हैं? नहीं, जबरदस्ती नहीं, वो दे ही नहीं रही है। करे पूरा हमारा है, वसीयतनामा लिखा है पूरे प्रॉपर्टी पर। कह रही है कि हमको बुलाओ, लिख करके गए हैं थाना में भी जो हम लोग गए थे तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, पुलिस चौकी पर सुनवाई नहीं हो रहा है। वो 50,000 रुपया दी है कोतवाली में भी। कौन दिया है? भाजपा नेता? हाँ, भाजपा नेता दिवाए हैं उससे, हमारे जो छोटे भाई की औरत से। क्या नाम है? गोपाल निषाद। किस तरह का मामला है इन लोग के लिए धरने पर बैठे? भाजपा के नेता भरत लाल राही हैं, इस गरीब की जगह जमीन मकान पूरा कब्जा करके निर्माण करवा रहे हैं। नक्शा पास नहीं है, मास्टर प्लान में नगर मजिस्ट्रेट को, जिलाधिकारी को, सबको या बुजुर्ग दंपति एप्लीकेशन देते देते थक गया। लेकिन नगर मास्टर प्लान के लोग जाते हैं, पैसा लेते हैं और कहते हैं तुम बनवाओ, हम नहीं आएंगे। तो पूरा पुलिस प्रशासन बीजेपी के नेता के दबाव में है, पूरा जिला प्रशासन बीजेपी के नेता के दबाव में है। और ये बेचारा, इसको जो रहने सहने की एकमात्र झोपड़ी थी उसको भी वो लोग कब्जा कर ले। अब किसके घर रहेगा? इस नाते आज ये धरने पर बैठा है कि हमें न्याय नहीं मिला तो आज से मैं आमरण अनशन के अलावा आत्मदाह भी करूंगा।